आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। तापसी पन्नू फिर आई हसीन दिलरुबा में रानी का किरदार निभाने के लिए तैयार है। वह अलग अलग रोल्स करने और हर फिल्म में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाने के लिए जानी जाती है। ऐसे में हसीन दिलरुबा के साथ वो फीमेल लेड फ्रेंचाइज को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने वाली कुछ एक्ट्रेसेस में से एक बन गई है। तापसी पन्नू ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में रानी के किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, मैं उसे हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में देखती हूँ जो हमेशा सही फैसला नहीं लेती, लेकिन अपनी गलतियों को भी स्वीकार करती है और उसके लिए कीमत चुकाने को तैयार रहती है। उसने कभी भी अपनी कमियों को हीरो के रंग में दिखाने की कोशिश नहीं की है। कोई उसे अल्फा या सिग्मा कह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह एक टॉक्सिक प्रोटागनिस्ट है। इसलिए मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि मैंने उस किरदार को निभाया है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। जो लोग उसे मायोपिक लेंस से देख रहे हैं, उन्हें तुरंत अपना लेंस बदल लेना चाहिए। तापसी ने रानी का किरदार निभाने के लिए अपनी एक्साइटमेंट के बारे में भी बात की और कहा, मुझे नहीं लगता कि वह कोई टॉक्सिक किरदार है, मैं उसे निभाकर बहुत खुश और प्राउड हूँ। उन्होंने आगे कहा, रानी के साथ फिर से जुड़ना घर आने जैसा लगता है और मैं फिर से उसकी दुनिया में वापस जाने के लिए थ्रिल हूँ। अगस्त का महीना तापसी के लिए खास है। 1 अगस्त को उनका जन्मदिन है और उसी हफ्ते के आसपास उनकी 2 फिल्में रिलीज हो रही है। फिर आई हसीन दिलरुबा 9 अगस्त को रिलीज होगी, जबकि खेल खेल 15 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।